हेलो हाँ बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, हम कहेंगे आपको आज पुस्तकालय पर निबंध, मतलब के इंग्लिश में बोलते हैं हम पुस्तकालय को लाइब्रेरी। ओके बच्चों, हम आज पढ़ाएंगे आपको निबंध। बच्चों, शुरू से लगता है हमारे वीडियो देखें, ध्यान दें, हमें वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साइड से लाइव ना, घंटी दबाएं जिससे हमारी नोटिफिकेशन वीडियो तो पहुँचेंगे। बच्चों, जो घंटी दबाते हैं आप उससे हमारी नोटिफिकेशन वीडियो तो हर रोज़ मिलती रहेंगी जो हम वीडियो पोस्ट करेंगे। ओके, ध्यान दिए, हम करवाते हैं इस पुस्तकालय पर निबंध। देखिए, इसमें रूपरेखा होती है। देखिए, रूपरेखा मतलब जो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो पॉइंट होते हैं। देखिए, पहला पॉइंट होता है प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट होता है पुस्तकालय की स्थिति, तीसरा पॉइंट होता है पुस्तकालय के अधिकारी और कर्मचारी, चौथा पॉइंट होता है पुस्तकालय से लाभ, पांचवा पॉइंट होता है उपसंहार। ओके बच्चों, देखिए बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, पहला पॉइंट करवाते हैं आपको प्रस्तावना। पुस्तकें अवकाश के समय मनोरंजन का अति उत्तम साधन है। पुस्तकालय में हमें अनेक पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं, मतलब के पुस्तकालय में हमें अनेक पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं क्योंकि वहाँ हज़ारों पुस्तकें एकत्रित होती हैं पुस्तकें मौजूद होती हैं। पुस्तकालय का अर्थ होता है पुस्तकों का घर। पुस्तकालय वास्तव में ही पुस्तकों का घर होता है। हमारे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, पुस्तकालय की स्थिति। हमारे विद्यालय के माध्यम में हमारा पुस्तकालय विद्यमान है जिसमें बड़ी बड़ी लोहे की अलमारियों में हज़ारों पुस्तकें बड़े व्यवस्थित ढंग से रखी गई हैं। पुस्तकालय के समीप ही एक कमरे को वाचनालय बनाया गया है। जैसे हम अपने घर में भी, हमारे घर में भी होती हैं, हमने देखा होगा, आपने देखा होगा, हमारे घर में भी एक हम जगह बनाएं जहाँ हम पुस्तकें रख सकें, उसे भी हम पुस्तकालय कह सकते हैं। वाचनालय में विद्यार्थियों के बैठकर पढ़ने के लिए मेज तथा कुर्सियाँ रखी हैं। विद्यार्थी पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर शांति के साथ वाचनालय में उनका अध्ययन करते हैं। मतलब वहाँ पे बेंच होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं जहाँ बच्चे बैठकर पुस्तकें पढ़ते हैं अपने जो चाहिए होती हैं पुस्तकालय में। अब देखिए आगे, ये हमने कहा आपको पुस्तकालय की स्थिति, आपको देखिए तीसरा पॉइंट कहवाएंगे हमको आपको हम पुस्तकालय के अधिकारी और कर्मचारी। पुस्तकालय में जो मुख्य अधिकारी नियुक्त होता है उनको पुस्तकालय अध्यक्ष कहा जाता है। ये ही वहाँ की सभी व्यवस्थाएं देखते हैं। उनकी सहायता करने के लिए तीन कर्मचारी भी होते हैं, मतलब कि उनकी पुस्तकालय अध्यक्ष की जो अधिक पुस्तकालय में जो होते हैं उनको उनकी सहायता करने के लिए तीन कर्मचारी भी होते हैं। वे पुस्तकालय अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों को पुस्तकें देते हैं, और जो बच्चों पुस्तकें चाहिए होती हैं वही पुस्तकालय अध्यक्ष विद्यार्थियों को पुस्तकें देते हैं पढ़ने के लिए, और विद्यार्थियों से उनको वापस लेकर या स्थानीय रखते हैं, मतलब के उनसे वापस दे गई फिर पुस्तक रख लेते हैं बच्चों पढ़ने के बाद जो पुस्तकालय में होते हैं अधिकारी। अब चौथा पॉइंट देखिए, पुस्तकालय से लाभ। पुस्तकालय से हमें अनेक लाभ हैं, जानते होंगे बच्चों आप, यहाँ से हम ऐसी बहुमूल्य पुस्तकों को लेकर पढ़ते हैं, यहाँ से हम काफ़ी अलग तरीके की पुस्तकें लेकर पढ़ते हैं जिनका दूसरी जगह मिलना बड़ा कठिन होता है। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो दूसरी जगह नहीं मिल पाती, जिसका मिलना बड़ा कठिन होता है। फिर सभी बहुमूल्य पुस्तकों को हम खरीद भी नहीं सकते, मतलब उन पुस्तकों को हम खरीद भी नहीं सकते। निर्धन छात्रों के लिए तो पुस्तकालय वरदान सिद्ध होते हैं, मतलब निर्धन छात्रों के लिए पुस्तकालय वरदान सिद्ध होते हैं क्योंकि वे पुस्तकालय से पुस्तक लेकर ही अपना अध्ययन करते हैं। यदि पुस्तकालय ना हो तो ऐसे छात्र अध्ययन ही नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से पुस्तकालय पुस्तकों के रूप में ज्ञान का भंडार है। पुस्तकालय पुस्तकों के रूप में ज्ञान का भंडार है। अब देखिए पांच पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखिए, उपसंहार। पुस्तकालय हमारे ज्ञान की वृद्धि में अत्यंत सहायक है। उसकी व्यवस्था बनाए रखना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। हमें पुस्तकें समय से वापस करनी चाहिए, मतलब जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं पुस्तकालय में लेकर उन्हें हमें समय पर वापस करनी चाहिए। वाचनालय में
बैठकर शोर नहीं करना चाहिए, मतलब वहाँ बैठकर शोर नहीं करना चाहिए, सिर्फ पढ़ना चाहिए हमें, ताकि दूसरे विद्यार्थियों का अध्ययन सुचारू रूप से चलता रहे। जो छात्र अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं उन्हें पुस्तकालय अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि पुस्तकें ही व्यक्ति का सच्चा मित्र होती हैं, क्योंकि पुस्तकें ही व्यक्ति का सच्चा मित्र होती हैं। बच्चों, हमने करवा दिया आपको आज पुस्तकालय पर निबंध। बच्चों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बच्चों, साइड से लाभ बना के हमसे ऐसे मिलते रहेंगे हर रोज़। बच्चों, ख्याल रखना आपको, टेक केयर।